एक होर चिंता वाली खबर आ रही है कि मालवे के लोगों लिए अज चिंता हो सकती है। भारी मीह का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बीते दिन चंडीगढ़ मोहाली खरड़ में जिस तरीके बेमौसमी बारिश का जिक्र होया तो इस मसले पर सब तो वड्डी हुण चर्चा हो रही है कि मालवे के प्रशासन दी टीमां चौकसी दिखा रही ने। ब्यास रावी के पानी का पद्धर वध चुकिया है। मालवे के 9 जिलों के रैड अलर्ट जारी करवाया गया है। तो अज मालवे के कई हिस्सों के भारी मीह पैण का खदशा क्योंकि अलर्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल उत्तर प्रदेश राजस्थान के कई इलाके तक है। दिल्ली NCR तक भी इस अलर्ट का असर है। पर पंजाब के माझा मालवा दुआबा जोन तो अज सब तो वड्डी खबर है कि मालवा के 9 जिले रैड अलर्ट के विच ने जिथे भारी बरसात अज हो सकती है। तो मालवे के भारी बरसात हो सकती है। मालवे वसदे लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जिहड़े लोग घग्गर दरिया के नेड़ले इलाकों में वसदे ने उन्हें वो इलाका छड़ देना चाहिए है क्योंकि घग्गर दरिया हिमाचल दी शिवालिक दी पहाड़ियों च निकलता है जिसका नाम पुराने समय के घड़घड़ वजो जाने जाता सी। यानी कि घग्गर दी आवाज़ां करके इसका नाम घड़घड़ पिया। पर पंजाब के कई हिस्सों के घग्गर मार पाउंदा है। दरअसल सतलुज ब्यास रावी हालांकि जेलम चनाब भी किसी वेले पंजाब का हिस्सा सी। 1947 के वंड हुई तो दो दरिया उधर चले गए। सतलुज ब्यास चढ़ते पंजाब के हिस्से आए तो अद्धा कु दरिया जिहड़ा रावी आया। हालांकि तिना दरियावां नूं जिस तरीके चैनलाइज किया होया है तो पंजाब दे विचो जिन्नियां नहर निकलदियां ने भावें राजस्थान फीडर होवे जां इंदिरा गांधी नहर होए राजस्थान के जैसलमेर तक पंजाब का पानी जांदा। दूजे पासे हरियाणा की गल करिए हरियाणा के टोहाना हैड तक किस तरीके दे नाल दिल्ली नूं पानी चैनलाइज हुंदा किस तरीके नाल पानी राजस्थान नूं। सो भाखड़ा के जरिए तीजी ओ वड्डी नहर मन्नी गई है। हालांकि इस नहरां दे विच पानी की जिहड़ी समर्थ है वह जरूरत तो ज़्यादा छड्डी गई है।